हेलो गाइस, मेरा नाम हरीश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पास स्टोरीज बाय हरीश। तो आज थोड़ा क्वालिटी आपको अच्छा देखने को मिल रही है क्योंकि थोड़ा सा वाइड एंगल भी होगा, क्योंकि आज हमने स्टार्ट कर दिया व्लॉगिंग DSLR से, जो कि मेरा कैनन का कैमरा 1300D T6i। तो सबसे मेन रीज़न ये था व्लॉगिंग इससे करने का, क्योंकि क्वालिटी में थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लग रहा था कि यार नहीं, मोबाइल की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है। और DSLR में पहले से यूज़ ही कर रहा था, थोड़ा बहुत फोटोग्राफी कर लेते हैं तो DSLR यूज़ कर रहा था, तो इसलिए डिसाइड किया। इसके अलावा अभी मैंने एक ट्राईपोड भी लिया है, सॉरी गोरिल्ला पोड भी लिया है, अभी वो भी दिखाऊंगा आपको। तो अब बात करते हैं कि पहले DSLR से क्यों नहीं व्लॉग किया, मेरे पास DSLR था। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यार जब भी कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले छोटे से स्टार्ट करना चाहिए, चाहे आपके पास कितनी ही बड़ी चीज़ें हों। सबसे पहले व्लॉगिंग मेरे लिए नया नया था, तो मैंने अभी मोबाइल से स्टार्ट किया। मोबाइल स्टार्ट करके देखा कैसा लगता है, काफ़ी रिस्पांस अच्छा तो नहीं कहेंगे पर फेयर रिस्पांस आया, मतलब ना बुरा ना अच्छा। ताकि लाइक मैंने दुबई के व्लॉग्स बनाया तो मुझे काफ़ी खुद को भी कॉन्फिडेंस मिला, तभी आज से आपसे सोचा कि यार इससे स्टार्ट करेंगे, DSLR से करेंगे। तो एक चेंज ज़रूरी था, इसलिए मेन रीज़न ये था स्टार्ट करने का DSLR से। इसके अलावा सेटअप की बात करें तो सेटअप कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है कि अगर आपको एक सिर्फ एक माइक लगाना ऊपर यहाँ और नीचे से आपको एक गोरिल्ला पोड खरीद लीजिए, जॉबी का खरीद लीजिए, काफ़ी सारी कंपनी आती है खरीद लीजिए और आप इजीली कर सकते हैं। तो मैंने अभी स्टार्ट किया, अभी देखते हैं क्या दिक्कत आती है क्या नहीं आती है। बाकी अभी जयपुर में गर्मी बहुत है और बेसिकली भी एग्ज़ाम्स का माहौल चल रहा है। तो यही था कि आज आपको ये बताना था कि हमने जो व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली है वो कर ली है DSLR से, और जो लेंस यूज़ कर रहे हैं वो है 18-55। यही है, बाकी बताइए और कुछ आपको कमी लगी हो तो। बाकी प्रॉपर व्लॉग सब आते रहेंगे, मैं सोच रहा हूँ डेली व्लॉगिंग करने का, लेकिन इतना कंटेंट नहीं बन पाता डेली, तो मैं व्लॉग नहीं कर पाता। तो ये है कि हम अब व्लॉग करेंगे DSLR से, और ये ऊपर से कहीं एरोप्लेन जा रहा है ऊपर, देखिए तो ये सीन है। अब आपको दिखाता हूँ कैमरे की क्वालिटी वर्सेस मोबाइल की क्वालिटी। तो ये है मेरी कैमरे की क्वालिटी और अब मैं आपको मोबाइल दिखाता हूँ। ये है मेरे मोबाइल की क्वालिटी जो आपको देखने को मिल रहा है दोनों में डिफरेंस, और ये है मेरे मोबाइल की क्वालिटी जो आपको देखने को मिल रहा है दोनों में डिफरेंस। कैमरा मोबाइल दिस इज कैमरा एंड मोबाइल। तो काफ़ी अच्छा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा आपको मोबाइल वर्सेज़ कैमरा में। आके एडिटिंग करता हूँ या काम करता हूँ तो आपने जिस तरह से देखा ये टेबल जो है ये वाली, ये अगर आपने देखिए स्टडी टेबल है, तो मैंने मंगाई हुई है अपने लैपटॉप के लिए, और आपको जैसे मैंने लैपटॉप हमारा वॉलपेपर भी दिखाया तो कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। और अब मैं आपसे मेन बात करता हूँ कि मेन रीज़न मेरा क्या था व्लॉगिंग के पीछे और DSLR से व्लॉगिंग के पीछे। देखो पर्टिकुलरली अगर सबसे पहले बात करूँ तो सबसे मेन जो रीज़न है वो है क्वालिटी, व्लॉगिंग फ्रॉम DSLR की सबसे बड़ा रीज़न रहेगा मेरा क्वालिटी। और सेकंड कि आप इसको लाइव फील कर पाते हैं, लाइक अगर मैं वहीं मोबाइल से व्लॉग करूँ और यहाँ DSLR से व्लॉग करूँ तो आप उसको लाइव लिव कर पाएंगे। तो भाई ये कुछ ऐसा गोरिल्ला पॉड है जो एकदम फ्लेक्सिबल है, आप इसको कैसे भी मोड़ तोड़ सकते हैं, और ये मात्र मैंने ख़रीदा है 399 मतलब 400 रुपये में लोकल मार्केट से, और काफ़ी अच्छा है यार। मेरा कैमरा यहाँ इस पर इस जगह फिक्स हो जाता है, और फिक्स होने के बाद में ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी देता है यार, जब आप मतलब इसको उठाते हैं या फिर कहीं भी अपन इसको यूज़ करते हैं। तो काफ़ी अच्छा गोरिल्ला पॉड है यार ये। डेली व्लॉग्स के, डेली व्लॉग्स का ऐसा है कि यार अभी तो करना मुश्किल हो पाएगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा करने की, क्योंकि यार मैं एक डेली जॉब करता हूँ तो वहाँ जाके या फिर वहाँ से आके व्लॉग करना मुश्किल हो जाता है। फिर मैं कहीं भी घूमने जाता हूँ तो आपको जरूर व्लॉग्स दिखाता हूँ, लाइक मैं दुबई गया तो मैंने आपको जरूर सारे व्लॉग्स मैंने अपने बनाए और दिखाए। तो बताइए यार DSLR की क्वालिटी कैसी लग रही है और व्लॉग्स कैसे आ रहे हैं, लाइक आपने दुबई कभी देखा हो तो सारा कमेंट करके बताइए। इसके अलावा अभी आगे प्लान करने का सोच रहा हूँ कि क्या क्या करना है, किससे कोलाबोरेशन करना है या मुझे अपने कंटेंट को किस तरीके से सुधारना है। देखिए जब आप यूट्यूब पे काम करते हैं तो आपको अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करना होता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कनेक्ट कर तो रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, या आगे कभी करना हो तो कैसे करूँ। तो एकदम प्रॉपर तरीके से अभी लाइनअप कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, DSLR से व्लॉगिंग स्टार्ट कर ही दिया है। तो वही था आज का व्लॉग, अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या बेस्ट चीज़ लगी और क्या आपको चीज़ अच्छी नहीं लगी, और
मेरे व्लॉग्स मिस ना करने के लिए आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा, व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी ऐसे ही अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।